हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मोदक। आज मैं मावे का मोदक बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए मावा। यहाँ मैंने 1 किलो मावा लिया है। सबसे पहले हम मावे को एक बाउल में डाल देंगे और इसके लम्स हटाने के लिए हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे ताकि हमारा मोदक बहुत अच्छा बने। इसमें मिलाएंगे नारियल का बुरादा। यहाँ मैंने 200 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने इसमें डाला है नारियल का बुरादा जो मैंने घर में किसा है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसे डालने से और भी अच्छा टेस्ट आता है और आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं। किशमिश, आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। यहाँ पे मैंने घना शक्कर लिया है, आप चाहें तो शक्कर पिसा हुआ भी ले सकते हैं। ये मैंने 400 ग्राम शक्कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे इलायची पाउडर, इससे फ्लेवर काफी अच्छा आएगा मोदक में। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आटा कैसे गूंथेंगे इसके प्रोसेस में आपको बताऊंगी। इसमें मैं डालूंगी 2 चुटकी मीठा सोडा। अब इसमें मिलाएंगे 1 कटोरी ऑयल। मोइन के लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे जिससे हमारा मोदक काफ़ी क्रिस्पी, बाहर से काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। इसको हम अपने हाथ से अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और मोइन अच्छे तरीके से आटे में मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी बनाना हो आपको उस साइज का लोई बनाइए और इसको बेलेंगे। हम इसको बेलन के कॉर्नर से बेलेंगे जिससे ये बहुत जल्दी और अच्छा बेलेगा। हाथों से ही मैंने मोदक बना दिया है। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और देखिए हाथ से ही कितने आसानी से मोदक बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही करके हम एक एक करके अपने सारे मोदक बना लेंगे। ये देखिए सेम प्रोसेस करके हम अपने पूरे मोदक बना लेंगे। हमारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं। इसे 1 घंटे के लिए सूखने देंगे हवा में। उसके बाद हम इसे ऑयल में